चंदन की खेती कैसे शुरू करें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खेती से ज्यादा कमाई नहीं की जा सकती, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी खास पेड़ को लगाने में करें तो आप करोड़ों के मालिक हो सकते हैं। हर किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। अगर आप भी किसान हैं और मोटी कमाई करना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल फार्मिंग से कुछ हटकर करने की जरूरत है। आपने चंदन के पेड़ के बारे में तो जरूर सुना होगा। चंदन की लकड़ी बहुत काम की होती है। इसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है, जैसे कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, पूजा सामग्री में, इत्र बनाने में, यहाँ तक कि कुछ दवाओं में भी इनका इस्तेमाल होता है। चंदन की लकड़ी के जरिए आप बम्पर कमाई कर सकते हैं। इससे होने वाली कमाई कोई लाखों में नहीं होती, बल्कि करोड़ों में होती है। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की डिमांड बहुत ज्यादा है और दुनिया भर में मौजूद प्रोडक्शन इस डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण चंदन की कीमत भी काफी बढ़ी हुई है। आप चंदन की खेती में जितना निवेश करेंगे उससे कई गुना ज्यादा कमाएंगे। चंदन के पेड़ दो तरह से उगाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल। चंदन के पेड़ों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाने में करीब 10 से 15 साल लगते हैं, जबकि ट्रेडिशनल तरीके से एक पेड़ को उगाने में करीब 20 से 25 साल लग जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कैसे करें मिट्टी का चुनाव। चंदन की खेती करने के लिए किसी खास तरह की मिट्टी नहीं चाहिए होती है। इसकी खेती सभी तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन कुछ मिट्टी की किस्में जिसमें चंदन की खेती अच्छे तरीके से हो सकती है, उनमें रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली दानेदार मिट्टी आदि शामिल है। चंदन की खेती करने का तरीका। एक एकड़ जमीन में ज्यादा से ज्यादा सफेद चंदन के पौधे लगाए जा सकते हैं। चंदन के पौधों में ज्यादा पानी नहीं देना होता। चंदन के पौधों में एक दूसरे से कम 12 फीट की दूरी होनी चाहिए। एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि चंदन के पौधे अकेले कभी नहीं लगाए जाते, वरना ये सूख जाते हैं, क्योंकि चंदन सेमी पैरासिटिक पौधा होता है, जिसका मतलब ये है कि चंदन के एक पौधे की जितनी उम्र होती है उसमें से आधा उसका खुद का जीवन होता है और आधा वो दूसरे पौधे की जड़ पर निर्भर करता है। चंदन की खेती जिस एरिया में की जाती है वहाँ पर कुछ साथी पौधों को भी लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि ये चंदन को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसलिए चंदन के आसपास दूसरे पौधे भी लगाना जरूरी है। ये साथी पौधे लाल चंदन, केजराइना, देसी नीम, मीठी नीम आदि के हो सकते हैं। कमाई कितनी होगी। चंदन का पेड़ लगाने के बाद आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। अगर सब कुछ सही तरीके से होता है और पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो आपकी कमाई करोड़ों में हो सकती है। एक बार जब चंदन का पेड़ 8 साल का हो जाता है तो उसका हार्डवुड बनना शुरू हो जाता है और रोपण के 12 से 15 साल बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो किसान हर साल 15-20 किलो लकड़ी आसानी से काट सकता है। ये लकड़ी बाजार में करीब 3 से 7 हजार रुपए प्रति किलो बिकती है, जो कि लगभग 10 हजार रुपए प्रति किलो तक भी हो सकती है। प्रति हेक्टेयर चंदन की खेती की लागत पूरी फसल चक्र यानी 15 वर्ष के लिए लगभग 25 लाख रुपए आती है, लेकिन रिटर्न करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए से 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक आता है। चंदन के पौधे की कीमत। आपको बता दें कि सरकार ने आम लोगों के बीच चंदन की लकड़ी की खरीद फरोख्त करने पर रोक लगा रखी है, लेकिन कोई भी किसान चंदन की खेती कर सकता है। इसकी खरीद सरकार करती है। अब खेती करनी है तो पेड़ लगाने के लिए आपको उसका पौधा लेना होगा। एक पौधे की कीमत लगभग 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में होती है। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना एक ऐसे पौधे के बारे में जिसकी खेती कर देगी आपको मालामाल। तो आप भी आज ही शुरू करें ये बम्पर कमाई का बिजनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।